सो आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 5 AM 5 मिनट सीरीज, जिसके अंदर हम 10 महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इस समय न्यूज़ में है। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आप अन अकेडमी में जुड़ सकते हैं, TPlus एजुकेटर्स से आप लाइव पढ़ सकते हैं। ये कोड आपको याद रखना है SP10। जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा 10%। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपना अटेंडेंस जरूर से दें कि आप कहाँ से हैं और अपना नाम जरूर से बताएँ। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, ये है GERD डैम से रिलेटेड, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस बांध भी हम इसे कहते हैं, और पूर्व में इसे मिलेनियम डैम के नाम से भी जाना जाता था, और कभी कभी जो हिडेस डैम के नाम पर नाम से भी जाना जाता है। इथियोपिया की बात करें तो यहाँ पे ब्लू नाइल पर ये डैम बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है, और ग्रेविटी बांध है, 2011 से निर्माणाधीन है, बनाया जा रहा है इसको। और इसके बनाने में मिस्र ने काफ़ी आपत्ति जताई है, मेनली इसलिए क्योंकि डैम बनेगा तो जो पानी का सप्लाई है मिस्र में या इजिप्ट में काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। इथियोपिया इसको अपने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बना रहा है। CSIR, IIM या IIIM की बात करें, जम्मू CSIR की घटक प्रयोगशाला ने किस उद्योग के साथ साझेदारी की है, और एक नए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस ल्यू मेडिएटेड आइसोथर्मल और एम्पलीफिकेशन RT लैम्प पर आधारित COVID-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है, जिसके लिए एक औपचारिक MOU भी साइन किया गया है CSIR IIM जम्मू। ठीक है, तो किसके के इसके बीच में ये साझेदारी साइन की गई है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि MOU साइन किया गया है इस डायग्नोस्टिक किट को डेवलप करने में RT लैम्प के। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये साइन किया गया है रिलायंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इन दोनों के बीच में CSIR, IIIM और रिलायंस इंडिया लिमिटेड के बीच में ये साइन किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में MSME क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया है? रीस्टार्ट प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया है? सो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें लगभग 98,000 जो यूनिट हैं उनको ये मदद करेगा, और एम्प्लॉयमेंट लगभग 10 लाख लोगों को मिलेगा इस प्रोग्राम से, और गवर्नमेंट लगभग 1100 करोड़ इसमें खर्चा करेगी। नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, नाम बदलकर क्या रखा है, इसका नाम क्या रखा गया है? सो आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन नाम रखा गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन इसका नाम रखा गया है, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम इस पर रखा गया। विश्व इस्पात संघ के अनुसार अप्रैल में भारत का कच्चा इस्पात की उत्पादन कितना हो गया है, मतलब एज पर द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विश्व इस्पात संघ के अनुसार अप्रैल में भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लगभग 65% था, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। WHO ने हाल ही में COVID-19 रोगियों पर किस दवा का क्लिनिकल परीक्षण अस्थायी रूप से निलंबित किया है, निलंबित किसको किया है, रिसेंटली किसको अनाउंस किया गया है, अगेन आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इसको निलंबित किया है क्योंकि इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, और लोग इसको बहुत अधिक इस्तेमाल भी कर रहे थे जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान में हो सकता है। हाल ही में जिन्होंने भारत में एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर मी के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा की है, तो ये किसने की है, आपको ये ध्यान रखना है, पतंजलि ने आपका ये शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2018-19 में 137.58 लाख मैट्रिक टन से 2024-25 तक 220 लाख मैट्रिक टन मछली उत्पादन का बढ़ाने का है। औसत वार्षिक विकास दर कितनी होगी, इसकी औसत विकास दर कितनी होगी इस एम को पाने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 9% रहेगी। ये जो टारगेट है, इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको 9% की ज़रूरत होगी विकास दर। राप्ती नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये है आपकी गंडक रिवर की सहायक नदी है जो राप्ती रिवर है। दुनिया के किस क्षेत्र में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये लगभग किस एरिया में है, अफ्रीका से साउथ अमेरिका में जो आप कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे आपका कमज़ोर हो रहा है। हाल ही में किस देश में समुद्री प्रदर्शन के दौरान पहले लेजर पहले लेज़र हथियार का उपयोग करके ड्रोन को मार गिराया, सो ये आपका किया गया है USA के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसके द्वारा ये आपका किया गया है। सो हमने लगभग 11 क्वेश्चंस किए हैं, कुछ ये क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप लोग को नोट करते रहना, एक एक जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल, धन्यवाद एंड लेट्स क्रैक इट।